हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एयर टैप आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द टॉपिक ऑफ इंटरनल ऑडिट जो बैंक्स के अंदर कंडक्ट किया जाता है इंटरनल uh, ऑडिट ये जो टॉपिक है हमारे चैप्टर नंबर 11 ऑफ दी एफएम कंपोनेंट वहां पर हमें डिस्कस करना होता है इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं पॉइंट फाइव या वन मार्कर कर क्वेश्चन आपको तीन चार सवाल देखने को मिल जाएंगे फ्रॉम द इंटायर चैप्टर रिलेटेड टू द ऑडिट और इसमें इंटरनल ऑडिट और स्टैचुट्री ऑडिट ये दोनों ऑडिट सबसे इंपॉर्टेंट है और आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द प्रोसेस ऑफ इंटरनल ऑडिट अब इंटरनल ऑडिट क्या है ऑब्वियसली नाम से हमें समझ आ रहा है कि एक ऐसा ऑडिट प्रोसेस जो बैंक्स के द्वारा इंटरनली कंडक्ट किया जाता है यानी बैंक्स के खुद के इंटरनल ऑफिसर्स इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के जो इम्प्लॉज हैं, वो बैंक्स के ऑडिट को कंडक्ट करेंगे उसको हम बोलेंगे इंटरनल ऑडिट सो ध्यान रखिए इट इज जनरली कंडक्टेड बाय दी बैंक्स ओन स्टाफ एंड टू समय ऐसे बैंक हो सकते हैं जिनका जो लेवल ऑफ ऑपरेशन है स्केल ऑफ ऑपरेशन है उतना बड़ा नहीं है शायद तो वो खुद की ऑडिट टीम रखने की बजाय हो सकता है अपने चार्ट अकाउंटेंट के फर्म्स को आउटसोर्स कर देते हो तो ये भी अलाउ होता है लेकिन ज्यादातर जो बैंक है दे यू कंडक्ट द इंटरनल ऑडिट बाय देर ओन टीम ठीक है अब ऑडिट का फंक्शन क्या है काम क्या है ऑब्वियसली एक्यूरेसी को चेक करना कि जितने अकाउंट्स हैं वो करेक्टली मेंटेन किए गए हैं सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस वहां पर फॉलो किए गए हैं मेनी बैंक दे आर कंडक्टिंग इंटरनल ऑडिट इंस्टेड ऑफ कनकरेंट ऑडिट्स और इवन इन एडिशन टू द कन्करेंट ऑडिट्स हमने कॉन्कर ऑडिट की बात की थी आ, लास्ट वीडियो के अंदर और कॉनकरेंट ऑडिट भी एक तरीके का इंटरनल ऑडिट का ही प्रोसेस होता है लेकिन कॉनकरण ऑडिट क्या है कि वो रोज़ किया जाता है डेली बेसिस पे किया जाता है और उसके अंदर जो चीजें कवर होती हैं वो उतनी ज्यादा नहीं होती जो डेली बेसिस पे होने वाले जो फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन होते हैं फ्रीक्वेंट एक्टिविटीज होती हैं दे आर कंड कवर्ड अंडर द

बैंक का जो इंटरनल ऑडिट का फंक्शन है ये इंडिपेंडेंट होता है बाकी ऑडिट एक्टिविटीज से चाहे आपका कंकरेंट ऑडिट चले चाहे आपका स्टैचुटरी ऑडिट हो उन सभी एक्टिविटीज से बिल्कुल इंडिपेंडेंट आपका इंटरनल ऑडिट का पूरा जो प्रोसेस है वो चलता है जो टीम इंटरनल ऑडिट कंडक्ट करती है उन ऑडिटर्स की टीम को सारी अप्रोप्रिएट पावर्स दी जाती हैं ताकि वो अपनी ऑडिट के काम को एक्यूरेटली कर सकें और अगर उनको कहीं भी किसी ऑफिसर से बात करनी है या उन्हें किसी भी ब्रांच के डॉक्यूमेंट्स को uh, मंगाना है उन डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करना है इंस्पेक्ट करना है तो उसकी भी पावर उनको दी गई रहती है इसके अलावा जो भी फाइंडिंग उनकी ऑडिट से निकल कर आती है उस फाइंडिंग को वो डायरेक्टली बिना डरे बिना किसी फेयर ऑफ रिपरकशन के वो उस फाइंडिंग को रिपोर्ट कर सकें इसकी भी पावर उनके पास रहती है ठीक है सो दे कम्युनिकेट फाइंडिंग्स डायरेक्टली टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द ऑडिट कमेटी और द एक्सटर्नल ऑडिटर्स तो ये इंपॉर्टेंट टीम के पास होनी चाहिए उनका function impartial होना चाहिए, ताकि कोई भी जो दूसरा इंप्लॉई है bank का वो उनके functions, audit के functions को influence ना कर सके। और जो उनको compensation मिलता है, यानी कि जो ऑडिट टीम में काम करने वाले लोग हैं जो इंटरनल ऑडिट कंडक्ट करेंगे उनको जो पैसा दिया जाएगा उनकी जो सैलरी होगी जो भी कॉम्पनसेशन उनको देंगे ऑडिट करने के लिए इट शुड बी ऑफ द ऑडिट एंड देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए आप समझ सकते हैं कि अगर ऑडिट कंडक्ट करने वाली टीम को पैसा देने का काम भी वही ब्रांच कर रही है जिस ब्रांच का ऑडिट किया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ब्रांच मैनेजर कह सकता है कि आप मेरे ब्रांच का फेवरेबल ऑडिट करिए कोई अगर गड़बड़ी रेगुलरिटी इफ यू फाइंड आउट उसको आप इग्नोर कर दीजिए और आपकी जो कॉम्पनसेशन मैं करने जा रहा हूं वो कॉम्पनसेशन मैं आपकी ज्यादा कर दूंगा तो ऐसा ना हो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ऑडिट टीम की जो कॉम्पनसेशन है वो पहले से फिक्सड हो प्री डिसाइडेड हो और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आए तो जिस बॉडी का ऑडिट हो रहा है जिस ब्रांच का ऑडिट हो रहा है उस ब्रांच से कोई भी लिंकेज ऑडिट कॉम्पेंसेशन की ना रहे ठीक है ये कुछ बेसिक आइडियाज है इसके बाद एक टर्म आती है रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट This this दोनों को स्टार्ट किया है अपार्ट फ्रॉम रीजनल रूरल बैंक रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट का एक सिस्टम लाया गया इस ऑडिट का मतलब है कि जो भी आप इंटरनल ऑडिट करेंगे उसमें आप सबसे पहले रिस्क आइडेंटिफिकेशन करेंगे

एनबीएफसी जिनकी एसेट साइज फाइव थाउजेंड करोड़ या उससे ज्यादा है यानी कि वो एनबीएफसी करोड़ या उससे ज्यादा के लोन्स एडवांसेस दे रखे हैं और वो डिपॉजिट नहीं लेते हैं तब वो भी आरबीआई के अंडर आएंगे इसके साथ साथ द अर्बन कोऑपरेटिव दे दे आर अंडर कवरेज ऑफ इफ हैव एन एसेट साइज पांच सौ करोड़ से ज्यादा के अगर एडवांसेस किसी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने दे रखे हैं तो वो भी आरबीआई ए रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट के अंडर आते हैं क्लियर हो गया आपको तो कौन कौन सी बॉडीज आएंगी सारे बैंक आएंगे स्केड्यूल कमर्शियल बैंक आएंगे लेकिन आर आरबी रीजनल रूरल बैंक उसमें नहीं होंगे

प्रायोरिटाइजेशन ऑफ ऑडिट एरियाज फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल एनालाइज कि क्या रिस्क है अलग अलग एरियाज के अंदर जो आप लोन्स दे रहे हो प्रायोरिटी uh, सेक्टर में चाहे आप रूरल uh, एरियाज के लिए लोन दे रहे हैं चाहे आप इंडस्ट्रियल को बड़े को लोन दे रहे हैं पर्सनल लोन दे रहे हैं अलग अलग एरियाज के अंदर जहां भी आपके यू नो एक्टिविटीज एरिया की चल रही है कहां पर रिस्क ज्यादा है कहां पर डिफॉल्ट का रिस्क ज्यादा हो सकता है या फ्रॉड होने का है, एरर होने का रिस्क ज्यादा हो सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल आइडेंटिफाई दो एरियाज एंड देन यू विल प्रायोरिटाइज दो एरियाज की उनका ऑडिट हमें पहले करना है ठीक है और जो भी ऑडिट रिसोर्सेज आपके पास है जो भी लोग ऑडिट करने जा रहे हैं जो भी मशीनरी ऑडिट के लिए लगी हुई है उसको आप उसी हिसाब से एलोकेट करेंगे ठीक है द सभी के अंदर, बड़े बैंक के अंदर या वो सारी बॉडीज विच आर कवर्ड अरबीआई लाइक एन बी एफ सीज एंड अर्बन को वहां पर भी आपको एक इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बनाना होता है एंड दिस डिपार्टमेंट शुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम दी अदर एक्टिविटी बाकी बैंक के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है वहां से ऑडिट डिपार्टमेंट को थोड़ा सा हम इंडिपेंडेंट रखते हैं सो दैट देर इज नो अंडिपार्टमेंट दिस डिपार्टमेंट इज हेडेड बाई पर्सन जिसको हम हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट कहते हैं सो द बैंक they need to put in in place an independent risk risk assessment system as well in their internal audit team so that जिन -जिन areas risk identify करते हैं तो ये आरबीआई का बेसिक फंडा समझ आया ये basic कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए कि कौन कंडक्ट करता है वही इंटरनल ऑडिट की टीम कंडक्ट करेगी लेकिन तरीका इसका क्या होगा फर्स्ट ऑफ ऑल यूज द रिस्क कहां जाता है

वो मेंटेन करते हैं जैसे कि कुछ बैंक्स के अंदर आप ऑडिटर्स को इंप्लॉय करते हो आप इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं आप वैकेंसीज निकालते हैं ऑडिटर्स के लिए एंड द क्वालिफाइड ऑडिटर्स वो बैंक के अंदर एक एम्प्लॉय बनकर जाते हैं बैंक के अंदर काम करते हैं फुल टाइम सो वो एक करियर ऑडिटर है और ये करियर ऑडिटर्स क्या करेंगे ऑब्वियसली दे आर एम्प्लॉयड इन द बैंक फुल टाइम तो वो बैंक के अलग अलग ब्रांचेस में जाकर इंटरनल ऑडिट का काम करते रहेंगे तो अगर आपके पास ऐसे डेडिकेटेड ऑडिट करने वाले इंप्लाइज अदरवाइज इफ यूज एंड इंटरनल तो आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि मिनिमम पीरियड ऑफ सर्विस ऑफ जरूर करेंगे ताकि इंटरनल ऑडिट करने वाले जो भी लोग हैं कम से कम जैसे हम बोलेंगे कि आप दो साल तीन साल चार साल के लिए तो आप काम करें ऐसा ना हो कि उनको एक ही साल के लिए या कुछ महीनों के लिए ऑडिट के काम पे रखा और फिर उनको चेंज कर दिया इससे होता क्या सिक्योरिटी हो जाता है सिक्योर uh, कि आपको तीन साल के लिए इसी बैंक में ऑडिट करना है तो आप अपना काम जो है वो फ्री एंड फेयर तरीके से करोगे बिकॉज आपको डर नहीं है कि अगर आपने ऑडिट में कुछ फाइंड आउट कर दी आपने किस, किसी पावरफुल ऑफिशियल को नाराज कर दिया उसके अगेंस्ट कोई फाइंडिंग दे दी तो आपको निकाल दिया जाएगा ऐसा नहीं होगा राइट सो देर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगेन एंड देर इज नो फियर ऑफ रिमूव नेक्स्ट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट के जो लोग हैं uh, जो हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट जो पर्सन होगा ऑफिशियल होगा उसको भी एक सीनियर पर्सन uh, uh, है तो एक लंबे समय के लिए उसको आपको अपॉइंट करना चाहिए एज हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट मिनिमम ऑफ थ्री ईयर्स या उससे ज्यादा तो ऐसा नहीं है एच आईओ के साथ भी कि आप उसे हर साल हर महीने चेंज करते जा रहे हो तो उससे अगेन क्या होगा कि जो हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट है वो अपना काम इंडिपेंडेंट एंड पार्शल तरीके से नहीं कर पाएगा ठीक है देन रिपोर्टिंग लाइन क्या होगी दी हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट ये जो पूरा ऑडिट डिपार्टमेंट है ऑडिट डिपार्टमेंट है वो हेड

ऐसा हो फॉर एग्जाम्पल लेटे से आप एक ब्रांच में ऑडिट करने जा रहे हैं एंड यू फाइंड आउट दैट द ब्रांच ऑफिशियल्स दे आर इन्वॉल्व इन इन सम इन एक्टिविटीज और सम अनस्क्रूपलेस एक्टिविटीज इन एक्टिविटीज की वजह से ब्रांच का प्रॉफिट तो ज्यादा दिख रहा है अकाउंट्स के अंदर ठीक है ब्रांच का प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है बट वो एथिकल नहीं है चीजें और फ्यूचर में जाकर के हो सकता है कि देर आर लीगल रिपोर्क और ब्रांच ऑफिशियल्स या बैंक के ऊपर कोई लीगल लाइबिलिटी आ सकती है तो आप ऑडिटर हैं आपको वो जो इरेगुलरिटी है जो भी इन है उसको पॉइंट आउट करना चाहिए बट यू आर दैट द ब्रांच इज अर्निंग प्रॉफिट बिकॉज ऑफ दैट तो होगा क्या कि अगर आपका पैसा आपको जो पैसा मिलना है ऑडिट करने का जो आपको कंपनसेशन मिलना है इफ इट इज लिंक्ड टू द द परफॉर्मेंस ऑफ ब्रांच तो ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि आपकी ब्रांच जो है वो प्रॉफिट कमा रही है तो मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा वेल एंड गुड मैं इसेगुलरिटी को रिपोर्ट नहीं करूंगा ठीक है लेकिन अगर आपकी जो कंपनसेशन है वो इंडिपेंडेंट है वो पहले से प्रीफिक्स है कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो आप अपना फ्रीली जो भी जजमेंट है वो देंगे चाहे ब्रांच का परफॉर्मेंस कम हो या ज्यादा हो यू विल गेट एन इक्वल अमाउंट ऑफ कॉम्पेंशन राइट तो ये सारे प्रिंसिपल होते हैं रिस्क इंटरनल ऑडिट के जिसके बारे में आप क्लियर हो गए नाउ

तो रिटायर्ड इम्प्लॉज को आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर ला सकते हैं अगर आप पूरी तरीके से हैं हैं कि उस एक्सपर्ट के के पास जो स्किल्स वो आपकी कंपनी अंदर मौजूद किसी ऑडिटर के पास नहीं है तो ऑब्वियसली यू कैन ब्रिंग इन सम एक्सपर्ट्स और यू कैन ब्रिंग इन फॉर्म्स बट यूजअली यूजअली योर इंटरनल ऑडिट फंक्शन इट शुड नॉट बी आउटसोर्स इट शुड बी डन इंटरनली बाई द्लॉय बाय द बैंक ओके डॉक्यूमेंटेशन

इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट इज बेसिकली चेकिंग ऑफ द आई टी नेटवर्क इन द बैंक बैंक का जो कंप्यूटर नेटवर्क है आई टी नेटवर्क है उसका ऑडिट करना कि वहां पर सारी जो इन्फॉर्मेशन या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन जो होती है सो so, ये हम ऑडि क्यों करते हैं सो दैट कंप्यूटर कैन सेफ गार्ड इट्स एसेट्स कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर जो डेटा है सिक्योरिटी कंट्रोल मेजर्स हैं वो सब सिक्योर है डेटा इंटिग्रिटी मेंटेन रखी गई है डेटा के अंदर कोई भी मतलब आप समझ रहे हैं कोई लीकेज नहीं है नो अनऑथोराइज एक्सेस इज टू द डेटा डेटा कैन नॉट बी यू नो ईजिल एडिटेड डेटा को चेंज नहीं किया जा सकता डेटा जो ऑरिजिनल है वही डेटा रहेगा इट इज नॉट सक्सेप्टेबल टू चेंज बाय हैकर अलावा ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं वो इफेक्टिवली अचीव हो रहे हैं और जो भी इंफॉर्मेशन

बैंक के इंटरनल रूल्स या फिर आरबीआई या कोई आरबीआई की गाइडलाइंस या पार्लियामेंट के लॉज रिलेटेड टू आईटी रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू इकोनॉमी वो सारे फॉलो हो रहे हैं ये सारी चीज़ें हम लोग इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के अंदर चेक करते हैं तो बेसिकली ये भी एक इंटरनल ऑडिट है इंटरनल ऑडिट में आप जैसे सारी चीजें चेक करते हैं वैसे अगर आप इंटरनल ऑडिट के अंदर बैंक का खुद का जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है जो आईटी आर्किटेक्चर है अगर उसको भी ऑडिट करते हो क्योंकि ऑब्विस्ली आज के समय में बैंक्स के अंदर मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन आर हैपनिंग इलेक्ट्रॉनिकली सब कुछ कंप्यूटर्स के ऊपर हो रहा है नेटवर्क के ऊपर हो रहा है सर्वर्स आपकी सिक्योर है नेटवर्क आपका सिक्योर है आपके सारे कंप्यूटराइज एसेट्स आर सिक्योर द डेटा इज सिक्योर ये सारी चीजें जो है ऑडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के अंदर हम लोग चेक करते हैं और आपको ये भी पता होगा कि आज के समय में तो ऑडिटिंग टेक्निक्स दे आर ऑल्सो असिस्टेड बाय द कंप्यूटर हम कंप्यूटर्स को यूज करके वी आर डूइंग ऑडिटिंग इसको हम बोलते हैं कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स ठीक है और दिस इज द मेथड ऑफ गैदरिंग एंड रिव्यूइंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स बिकॉज नाउ द ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रॉनिकली अकाउंट्स आर बीइंग मेंटेन्ड इलेक्ट्रॉनिकली सो हम ऑडिट भी अब इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं ठीक है और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वो उन्होंने जो स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग नंबर फोर्टीन इशू भी किया है जो पूरे पूरे स्टैंडर्ड्स बताता है कि कैसे इंटरनल ऑडिट को यूजिंग कंप्यूटर्स आप लोग कर सकते हैं सो इन टूडेज टाइम्स बैंक बैंक के अंदर लीकेज डिडक्शन करना है ट्रेजरी फंक्शन को ऑडिट करना है कस्टमर ट्रांजेक्शन मॉनिटर करनी है कंप्लाइंस देखना है हमें सैम्पलिंग प्रोग्राम्स देखने हैं कि जो भी ऑडिट में हमने डेटा को ऑडिट किया है वो करेक्ट है या नहीं उसके लिए डेटा सैम्पलिंग करनी है एंट्रीज को रिकैलकुलेट करना है इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट ऑल द एंट्रीज इन द बैंक और इन द लेजर दे आर करेक्ट एंड एक्यूरेट ये सारी चीजें कंप्यूटर्स के थ्रू हो सकती हैं ठीक है थीके? तो आपका जो अकाउंटिंग का फंक्शन इट इज ऑल्सो हैपनिंग थ्रू कंप्यूटर्स द ऑडिटिंग फंक्शन इज ऑल्सो हैपनिंग थ्रू कंप्यूटर्स एंड यू विल ऑल्सो हैव टू ऑडिट दो कंप्यूटर्स एज वेल कि आप उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को भी लगातार जो है ऑडिट करेंगे ठीक है, जाते-जाते so, एक क्वेश्चन पर बेसिकली आंसर कर दीजिए। का एम क्या है इंटरनल ऑडिट इज एट डेट इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी टैक्स प्लानिंग इंश्योरिंग एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स बैंक और इंश्योरिंग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऑब्वियसली वी नो दैट इंटरनल ऑडिट इज टू द बुक्स ऑफ द अकाउंट हमारा अकाउंट्स एक्यूरेट है फ्री फेयर है इसी के लिए ऑडिटिंग की जाती है राइट सो दैट सेट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट द स्टैचुटरी ऑडिट प्रोसेस इन द बैंक और वो उसके साथ ही हमारा ये जो मॉड्यूल ए है और जो चैप्टर नंबर इलेवन है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा सो so पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए जय हिंद एंड जय भारत